हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रिबॉन्डिंग, और कई बार रिबॉन्डिंग करते टाइम हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी क्लियर करूँगी। और ये देख सकते हैं इनका रिबॉन्डिंग के साथ, मैंने इनकी केराटिन भी की थी और उसके बाद आया इतना अच्छा रिजल्ट। जो रिबॉन्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार बॉन्डिंग टूटता है, हमारी टाइमिंग अलग हो जाती है, हमारे हेयर रफ और फ्रीजी से हो जाते हैं, तरीके से कर सकते हैं आप क्लियर, तो ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को डिटेल से देखिएगा और पसंद आएगी तो ढेर सारी लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हेड वॉश कर लें और ये पूछ लें अपने क्लाइंट से कि उनके बालों में मेहंदी तो नहीं लगी है या कितना टाइम हुआ है। अगर एक महीना भी हो गया मेहंदी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं हो कि दो तीन दिन पहले ही ना लगे हुए बालों पे आप रिबॉन्डिंग कर दें, उसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाती है बाल और अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। या वाइट सिरका आया था आप उससे वॉश करके कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हो यहाँ पर हेड वॉश किया है इनका और सीरम नहीं लगाना है, कंडीशनर भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाएंगे आप, सिर्फ शैम्पू से वॉश करेंगे, बालों को थोड़ा सुखा लेंगे और जब थोड़े गीले होंगे यानी 10% गीले होंगे तो आप प्रेसिंग करेंगे। चार सेक्शन कर लेंगे बालों के ताकि आपको प्रेसिंग करने में आसानी हो जाए, क्योंकि हम पतले पतले सेक्शन लेकर ही प्रेसिंग करेंगे। और यहाँ पर जो मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ ये है मेरी वेगा की और दूसरी है आइकॉनिक की, क्योंकि मेन रोल होता है हमारा प्रेसिंग का ही, प्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हो ये है श्वार्ज़कॉफ यानी ग्लैट, पहले है इसमें जीरो और दूसरा है एन। जीरो हमारी स्मूथनिंग क्रीम होती है और दूसरा हमारा जो एन है वो न्यूट्रलाइज़र होता है। तो आप लेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे कितनी क्वांटिटी लेनी है। कई बार मुझसे आप कमेंट करते हैं कि मैम कितना क्वांटिटी निकालें, कितना नहीं, आप हेयर देखें उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी लें, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप कम लगाएंगे तो इसमें भी नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो आप सब चीज़ें ध्यान में रख के करेंगे। अब फिर पूरी प्रेसिंग करने के बाद हम सेक्शन ले लेंगे, हाथों में ग्लव्स डालेंगे, एक टैल्कम ले लेंगे, सेटिंग क्लिप ले लेंगे और आप एक कॉम अलग ले लें जिससे आप साथ के साथ कॉम भी करते जाएं। इसमें कॉम करनी ज़रूरी है ताकि अच्छे से क्रीम पूरे बालों में फैल जाए। इस तरीके से फॉयल पेपर ले लेंगे, फॉयल पेपर पे लगाते हैं, आपके पास कोई गत्ते जैसा होता है स्ट्रेट ताकि उस पर स्ट्रेट रहें बाल, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप फॉयल पेपर लगाएं। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच की दूरी से अपनी स्मूथनिंग क्रीम को इस तरीके से अप्लाई करेंगे और सेक्शन बहुत पतले लेंगे और कॉम करने के बाद इस तरीके से उसे लगा देंगे ताकि वो पूरे बालों में अच्छे से फैल जाए। ब्रश लिया हुआ है मैंने, इस तरीके से लगा रही हूँ। आपने मेरे पहले भी और वीडियो देखे होंगे, लॉरियल के भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, लॉरियल का स्पा का वीडियो है, आप किस तरीके से घर में हेयर स्पा कर सकते हो रिबॉन्डिंग के बाद, या स्मूथनिंग करना चाहते हैं, केराटिन करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं इस तरीके से। और देख रहे हो दोनों आधा इंच की दूरी आप ज़रूर बनाएंगे रूट्स एरिया से, और ध्यान रखें कि कौन कौन नहीं करा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी होती है वो भी नहीं कराती है, या बच्चे को फीड कराते हैं तब भी नहीं करवाते हैं, बहुत हार्ड होता है केमिकल। और आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रखकर यूज़ करें, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, बाल जड़ से भी टूट सकते हैं अगर टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई तो, बहुत रिस्की होता है, तो सोच समझ के करें, ऐसा नहीं कि आप वीडियो में देखें और घर में शुरू कर दें। कंप्लीट बालों को मैंने पीछे की तरफ करके लगाया, इस तरीके से लगा लेंगे और कम से कम आप बालों टेक्सचर पे डिपेंड करता है, आप 25 मिनट रख रहे हो, 30 मिनट रख रहे हो, तो उसके बाद देखेंगे कि बालों का बोन टूटा है या नहीं। बाल जब हमारे कर्ली हो जाते हैं हल्के से खींचने के बाद तो समझिए कि बोन टूट गया है, तो ये देखना जरूरी होता है। बट कई बार क्या होता है, हमारे आधे बाल इधर साइड जल्दी में लगा रहे थे, आधे थोड़ा लेट लगे हैं, तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाए और फिर आपसे मिस्टेक हो जाए, या कई बार बाल मोटे होते हैं आपको पता नहीं है तो बोन ना टूट पाए, तो ऐसा हो जाता है। और इधर साइड मेरी स्टूडेंट ने की थी तो थोड़ी सी ये लगा मुझे जब मैंने वॉश करने के बाद देखा, और आपको भी मैंने बताया जब आपको फर्स्ट वॉश करने के बाद ये पता चल जाए कि बाल हल्के कर लग रहे हैं तो समझ लो कि वह हुआ ही नहीं होता है। तो उसे किस तरीके से करने मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। और यहाँ पर बालों को वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद इस तरीके से सुखा लेंगे, टॉवल से डैप डैप कर सुखाएंगे और उसके बाद आप ड्रायर करेंगे, एकदम गीले बालों पर ड्रायर नहीं करेंगे, कूल ड्रायर करेंगे और पतले पतले सेक्शन लेंगे, फिर से प्रेसिंग करेंगे। और ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छी प्रेसिंग होनी चाहिए और इस तरीके से देख लेंगे, करते जाएंगे प्रेसिंग पूरा ही उसी तरीके से करनी है, बट सेक्शन पतले होने चाहिए और प्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और इस तरीके से कर लेंगे। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर सीखना चाहते हैं तो फ्राइडे को आ सकते हैं मेरे चैनल पर, लाइव आती हूँ मैं, कल लाइव आऊँगी आपके साथ, और ट्यूसडे को आती हूँ नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पर। उसके बाद प्रोडक्ट ले लेंगे अपने बाउल में, न्यूट्रलाइज़र ले रही हूँ मैं। न्यूट्रलाइज़र भी आप 20 मिनट 15 मिनट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं बालों का टेक्स्चर देख के, या 25 मिनट भी रख सकते हैं। फिर से सेक्शन बांध लेंगे, अपना टैल्कम लेंगे और 4 सेक्शन कर लेंगे, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, ताकि आपको करने में ईजी हो जाए। और ये देख सकते हैं इस तरीके से निकाल लिया, बट इनमें से पतले पतले। न्यूट्रलाइज़र के लिए आप थोड़े मोटे सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ये रूट्स में भी लग जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट क्रीम रूट्स में नहीं लगनी चाहिए। और मैंने बोटॉक्स केराटिन के भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कोशिश करूँगी कि आपके साथ केराटिन प्लस स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन ये वीडियो शेयर करूँ। और इस तरीके से मोटे मोटे थोड़े से लेते हुए पूरे बालों में लगा लेंगे आप। पिछली वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था, आप देख सकते हैं उनका, और इधर भी आप देख लेंगे। ये इस तरीके से लगाते जाएंगे। आप क्लासेस लेना चाहते हैं या कुछ भी मेकअप कोर्स सीखना चाहते हैं 1 डे की 3 डे की, तो मुझे यूट्यूब गूगल पे मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं क्लासेस के लिए, या आप लाइव आके सीखना चाहते हैं। बहुत सारी वीडियो भी हैं मेरी लाइव में, तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वीडियो के जरिए आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे लगाते जाएंगे एक के बाद एक सेक्शन लेते हुए। न्यूट्रलाइज़र थोड़ा पतला होता है हमारा, बहुत अच्छे तरीके से बालों में फैल जाता है। आप एक कॉम जरूर रखेंगे अपने पास और करते जाएंगे इस तरीके से। और काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल के वीडियो भी हैं, साड़ी ड्रैपिंग के भी हैं, वो भी देखना चाहते हैं तो नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पर भी पहले के मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपको पता नहीं है कि काफ़ी पुराना चैनल है और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो हैं, तो आप एक बार चेक जरूर करें मेरे दोनों चैनल। और इस तरीके से बालों में कंप्लीट लग गया है हमारा न्यूट्रलाइज़र, और इस तरीके से फॉयल पेपर में इसको रैप कर देंगे। 20 मिनट रख सकते हैं, 25 मिनट रख सकते हैं, जितना टाइम हमारी क्रीम रहती है, और उसके बाद इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद टॉवल से डैप डैप करके सुखाएंगे, और उसके बाद बालों को अच्छे से ड्रायर करेंगे। आप ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में ऐसे ही ना छोड़ें कि आप बाल गीले रह जाएं और आप क्लाइंट को घर भेज दें, उससे क्या होगा, बालों में नमी आ जाएगी और वेव आ जाएगा बालों के अंदर से। और हमें 48 घंटे बाद हेयर स्पा देना होता है, और बालों को बिल्कुल सीधा रखना होता है 2 दिन के लिए, कोई क्लिप क्लैचर कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आप क्लैचर। और यहाँ पर लगाया मैंने स्टिक्स का हेयर सीरम, हमारे 90% बाल सूख जाते हैं और 10% गीले रहते हैं, तो हमें हेयर सीरम लगाना चाहिए, 2 मुँह के बालों को होने से रोकता है। आप ये ना सोचें कि आपने रिबॉन्डिंग करा लिया और उसके बाद ना लगाएं, तो ज़रूर लगाएं। और उसके बाद मैंने स्ट्रेट कट किया इनके बालों का, और ये है इनका लुक। तो मैं और अब आपको मैं कहना चाहूँगी, कई बार आपके हेयर का बॉन्ड नहीं टूटता है, आप परेशान हो जाते हैं, तो ये सभी के साथ हो सकता है ऐसा, तो आप उन्हें टाइम दीजिएगा कम से कम 20 डेज़ का। उसके बाद आप स्मूथनिंग क्रीम लगाइए, थोड़ा सा वाटर स्प्रे कीजिए, फिर न्यूट्रलाइज़र लगाइए, और उसके बाद आप उनके केराटिन भी कर सकते हैं, जिससे बाल सिल्के और सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये है मेरी क्लाइंट का केराटिन के बाद का लुक, उनके मैंने 3rd स्पा किया था और उसके बाद उनके केराटिन किया था, तो केराटिन के बाद और भी बालों को प्रोटीन मिल जाता है, काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बाल, शाइन भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप पहले और आपके बालों में रिजल्ट देख सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।